हेलो बच्चे हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चलती होगी। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो आप 2024 में देने वाले हैं उससे संबंधित आज हम आपके बीच लाए हैं जीव विज्ञान के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है और साथ ही ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परिचय क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहे कंटिन्यू, जब तक ये वीडियो होता है तब तक आप पूरा आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियोज़ देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप मेरे इस चैनल को और भी जगहों तक पहुँचाएं, ग्रुप में पहुँचाएं, इंस्टाग्राम तक पहुँचाएं, फेसबुक के ग्रुप पर पहुँचा दें। दूसरी बात ये है कि आप जब भी मेरे चैनल पर आएँ तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड। जी हां, आप ऐसा थंबनेल पर भी देख लिए होंगे क्या लिखा है वहां पे, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024, यानी कि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि जो जीव विज्ञान, हम क्लास 9 से ही जीव विज्ञान को पढ़ते आते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि जीव विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन उसका सिलेबस को नहीं जानते हैं, यानी कि उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो आज मैं पाठ्यक्रम की बात करूँगा। तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के सिलेबस की चर्चा होगी और साथ ही उसका परिचय पर भी हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो भारतीय भवन जो हम पढ़ते हैं, भारतीय भवन और कोई कोई पब्लिकेशन और भी पब्लिकेशन जैसे NCERT बुक है तो NCERT किताब से भी लोग अध्ययन करते हैं, जैसी मतलब जो जो कोचिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो भारतीय भवन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो इसका इसमें जो है भारतीय भवन टोटल चैप्टर की बात करें तो 8 है बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान जो है उसके टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो है वह पहला जो पाठ का जो नाम है वह है हमारा जैव प्रक्रम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, जैव प्रक्रम पोषण। यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह जो जीव होते हैं वह किस तरह से अपना पोषण करते हैं, भोजन शरीर के जब अंदर जाता है अमाशय में तो क्या क्या होती है उसके अंदर और किस तरह भोजन का पाचन होता है और फिर उसका बहिष्करण होता है, तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें किस तरह का पोषण होता है और भी अन्य प्राणी जैसे कि अमीबा के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैरामिशम के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की चर्चा करेंगे, साथ ही मनुष्य के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम देखा जाए तो एक यूनिट का नाम है और इसके अंदर अंतर्गत आता है हमारा पोषण, यानी कि श्वसन करना भी जैव प्रक्रम है, परिवहन भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, उत्सर्जन भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। यानी कि जैव प्रक्रम का मतलब ही होता है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस होता है, वो सारी क्रियाएं मिलकर कहलाती है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम देखा जाए तो एक यूनिट का नाम है और इसके अंतर्गत आता है पोषण। क्या आता है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं तो जैसे भारतीय भवन में ये 8 चैप्टर है, जैसे कि आप बात करोगे ना NCERT की तो NCERT किताब के अंदर जो हमारा NCERT किताब है उस NCERT किताब में ये हमारा श्वसन परिवहन उत्सर्जन यानी श्वसन परिवहन एवं उत्सर्जन ये तीनों और पोषण चारों मिलाकर एक ही चैप्टर दिया गया जैव प्रक्रम। यानी कि जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग NCERT किताब को जब देखें उलटकर उसके सिलेबस को तो उसमें पोषण भी है, श्वसन भी है, परिवहन भी है, उत्सर्जन भी है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही यूनिट में है जिस यूनिट का नाम है जैव प्रक्रम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, परिवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है और इस जैव प्रक्रम को हम बोलते हैं यूनिट, यानी इस यूनिट के अंतर्गत हमको पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। ये बातें आपको क्लियर है? आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी है कि क्या होती है ये सब, NCERT और भारतीय भवन किस तरह का अपना पैटर्न होता है, ध्यान देंगे आगे। तो जैव प्रक्रम पोषण में हम क्या पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ गई। दूसरी बातें जो हमारा श्वसन चैप्टर है यानी अंग्रेजी में इसको रिस्पिरेशन कहा जाता है, सांस
सबसे बड़ी बात ये, हम सांस के बिना एक पल भी नहीं जिंदा रह सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने नाकों और मुंह को बंद कर ले तो ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ का एक मतलब लाइफ का कोई अस्तित्व भी नहीं बचा, बिल्कुल ही हम ऐसे अंदर में इस तरह हमारे अंदर फील होती है जैसे लगता है कि अब हमारी मृत्यु मतलब सामने सामने नज़र आती है, ऐसा समझ में आता है। तो हम लोग श्वसन चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, सांस किस तरह लेते हैं, श्वसन कैसे करते हैं, ये पढ़ना है हम लोगों को। श्वसन यानी कि मानव या इस धरती पर रहने वाले वह हर जीव, आखिरकार हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करना होता है, तो जो जीव होते हैं वह किस तरह श्वसन करते हैं, मनुष्य कैसे श्वसन करता है, क्या क्या क्रियाएं होती है श्वसन के दौरान, ये पढ़ना है। प्लस हमें ये भी पढ़ना है कि पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा होगी, थोड़ी सी जीव विज्ञान का आज परिचय भी दूंगा मैं आपको, इंट्रोडक्शन भी दूंगा कि जीव विज्ञान होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन के बाद अगला चैप्टर है हमारा परिवहन, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, परिवहन। परिवहन का अर्थ समझिएगा, परिवहन का मतलब जैसे कि हमने खाना खाया तो हम खाना में क्या खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, खाते हैं कि नहीं, मुर्गा मसाला खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वह खाना जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, होने के बाद क्या खाना पेट में ही रहता है? नहीं, वह खाना फिर पाचन होने के लिए छोटी आंत में जाती है कि नहीं, वहाँ पर खाना का पूर्ण पाचन होता है और जो खाना नहीं पचता है वह शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो खाना पच जाता है वह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक वह खाना पहुँचता है, अतः इस क्रिया को ही हम बोलते हैं परिवहन, यानी कि ढोना, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाना ही परिवहन कहलाता है। तो ये सारी जैसे श्वसन भी करते हैं हम लोग, उसके बाद खाना जो हमने खाया वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, तभी तो हमारा हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, जुबान भी काम कर रहा है, होठ भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ें वर्क करते रहता है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपका पोषण कैसा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो परिवहन ये चीज़ हम समझ लिए। दूसरा चौथा नंबर, चौथा चैप्टर है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और मस्त चैप्टर, जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है बाबू? उत्सर्जन, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एस्क्रेशन कहा जाता है। ये हमारा उत्सर्जन चैप्टर, जैसे कि हम पानी पीते प्रतिदिन, मनुष्य को जो है एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का एडवाइस है, लेकिन पता नहीं कितने लोग इस बात को मानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आप यहाँ समझेंगे जो हमारा उत्सर्जन चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि हम पानी पिए, हमने खाना खाया तो जो खाना नहीं पचा उसको शरीर से बाहर निकलना, तो शरीर से बाहर निकलना जो गंदे पदार्थ है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर से बाहर निकलना ही कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जी हाँ, पसीना बाहर निकल रहा है भाई, जितना जरूर पानी हम पिए सारा पानी शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता ही जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि सब रहवे करता, पानी पसीना के माध्यम से बाहर निकल गया, उत्सर्जन कहलाया। पानी पिए तो पेशाब के रूप में बाहर निकल गया, जो हमारा क्या कहलाया, उत्सर्जन कहलाया। फिर आंखों से आंसू निकलते हैं, मम्मी पापा एक लगाते हैं तो आंखों से जो है आंसू निकलने आते हैं, तो उससे जो है हमारा वो हमारा उत्सर्जन चैप्टर का पार्ट हो गया। तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले कि जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ वह शरीर से जो बाहर निकलता है वह किस तरह बाहर निकलता है, उसमें कौन कौन सी जो है पार्ट काम करते हैं, क्या क्या क्रियाएँ कम्प्लीट रूप से सम्पन्न होती है, ये सारा पढ़ने वाले हैं। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करने वाले हैं जी बाबू। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो बोलने के अकॉर्डिंग हमारा हाथ काम कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जिस तरह जैसे कोई जो डांस करने वाले जो होते हैं, है कि नहीं, वो गाना गाता है तो गाना के आधार पर उसके शरीर की एक्टिविटीज़ होती है, वो इस तरह से हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हम बोल रहे हैं तो हाथों को इस तरह भांसते हैं, है कि नहीं। तो सारी क्रियाएँ जो किसी मतलब किसी चीज़ को देख कर या किसी चीज़ को अनुभव करते हुए हमारी बॉडी जो क्रियाएँ करती है, जो काम करता है, जो आँखें काम करती है, जो हाथ काम करता है, जो पैर काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस तरह जुड़ा है ये शरीर हमारे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ, है कि नहीं है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कैसे ये सब काम कर रहा है। एक बार में हम 2-3 काम करते हैं, माइंड भाई फ़ोन से भी बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, पेपर भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एक बार में कितना काम हो जाता है। ये सारा कंट्रोल किस तरह होता है, कैसे ये जो है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे नंबर 5, नंबर 6,
ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। क्या ये जनन चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे कोचिंग वाले इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों को ज्ञान नहीं देते हैं, नॉलेज नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें विशेष बातें समझाऊंगा, विशेष तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जनन चैप्टर में क्या पढ़ना है, जैसे कि मानव हम हैं, ठीक है, हम मनुष्य हैं, तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, अपने जैसे सतीति का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नए डेवलप की ओर जाते हैं, एक नए सतीति का निर्माण कर लेते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, कैसे हो जाता है, एक मेल दूसरा फीमेल के बीच जो फर्टिलाइजेशन के जरिए जो भ्रूण का विकास हो जाता है गर्भाशय के अंदर, वह किस तरीके से हो जाता है, और कैसे कैसे फिर जो है एक शिशु का निर्माण होता है, और शिशु किस तरह जो है बाद में जन्म ले लेते हैं धरती के ऊपर, है कि नहीं, ये सारा कुछ पढ़ने वाले, क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी जिम्मेदार होते हैं जनन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में समझना है हम लोगों को कि हेरिडिटी क्या होता है, यानी कि अनुवांशिकता। कहने का मतलब हुआ कि जॉन, ध्यान देंगे इधर, जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल किसको कहते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, अनुवांशिकता का पिता जॉन ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने ही बताया था अनुवांशिकता के बारे में, यानी अनुवांशिक एक लक्षण को प्रकट करता है, जैसे कि आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, आप अपने चेहरा को देखिए, क्या वह चेहरा आपके पहले वाले कोई दादा या आपके पप्पा या आपके मम्मी से मिलता जुलता होगा, तो जो गुण पहले वाले लोगों से आपको मिल रहा है उस गुण को कहा जाता है अनुवांशिक गुण। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं कि अनुवांशिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह ये कार्य करता है, और जॉन ग्रेगर मेंडल ने, मेंडल को आखिर अनुवांशिकता का पिता क्यों कहा जाता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कोई पिता यूं ही कहा जाता है, नहीं, पिता एक मेंडल, मतलब मेंडल जो अनुवांशिक के पिता, अनुवांशिकता के पिता है, तो मेंडल ने बहुत बड़ा योगदान दिया होगा इस गुण को बताने के लिए, प्रयोग किए होंगे, बहुत सारी क्रियाएं की होगी, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा उनको, तभी जाकर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आपको हमको इसको उसको थोड़ी कह सकते, नहीं कह सकते। आगे देखिए, नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 में हमको पढ़ना है हमारा पर्यावरण। जी हाँ, सबसे अच्छा और सुनहरा और बहुत ही हरियाली चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। हम अपने पर्यावरण में कैसे रहते हैं, ये जीव पर्यावरण के अंतर्गत किस तरह अपने जीवन का यापन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक जो हम लोग मानव जो होते हैं वह परपोषी है, तो परपोषी स्वपोषी से किस तरह जिंदा है, भाई सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिंदा होते हैं, एक दूसरे से जो है अपना जीवन का यापन करते हैं, है कि नहीं। तो ये हम अपने पर्यावरण चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतनी सारी बातें पता हो गई होगी कि किस तरह हमें भारतीय भवन के जो एक्सरसाइज हैं, ये चैप्टर जो हैं, जैसे जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास, और हमारा पर्यावरण, ये सारी बातें आपको कंप्लीट हो गई होगी। तो ये जानकारी आपको देना अच्छा था, ताकि आप समझें इन चीज़ों को कि एक के बाद एक, मतलब कौन सा चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर पढ़ना हमको ज़रूरी होगा और कौन चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो ये सारी जानकारी अगर आपको पहले से अपडेट रहेगा तो आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको पढ़ने में। तो ये सारा अपडेट है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोलॉजी जो होते हैं, जो हमारा जीव विज्ञान है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इस तरफ, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस 2-3 मिनट और बता दे रहे हैं। जीव विज्ञान, हम लोग जो हैं क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। जरा आप इस शब्द पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में 2 शब्द हैं, एक है बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी। तो यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो बायो का मतलब क्या होता है, तो बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है,
अध्ययन होता है, यानी कि इसको अगर आप एक साथ मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। कहने का ये अर्थ हुआ कि हम जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की एक ब्रांच है जीव विज्ञान, जिसमें हम सिर्फ सजीव के बारे में बात करते हैं, जिसके पास जान होती है, जो गति करता है, जो वृद्धि करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ते, लकड़ी के बारे में नहीं पढ़ते, सूखा लकड़ी के बारे में वो निर्जीव होता है, पत्थर के बारे में नहीं पढ़ते, बोतल के बारे में नहीं पढ़ते, लोहा के बारे में नहीं पढ़ते, हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर जान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा, हम परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि विज्ञान, परिभाषा में हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में क्या करते हैं, जीवों के बारे में क्या करते हैं, तो जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहा जाता है जीव विज्ञान। बात समझ में आ गई। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, ये जो आप जीव विज्ञान शब्द देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो आप जीव विज्ञान शब्द देख रहे हैं, बताइए ये शब्द आखिर किसी ना किसी ने तो पहली बार देखा होगा, पहली बार किसी ने जीव विज्ञान शब्द बोला होगा, हालांकि ये शब्द पहली बार किसी ना किसी बोला ही होगा। तो आखिर ये शब्द जीव विज्ञान जो शब्द, ये सबसे पहले किसने बोला, तो हम कहेंगे कि इस शब्द का उच्चारण, इस शब्द को पहली बार किसने कहा, तो कहा था लैमार्क एवं ट्रेविडेनस। किसने कहा था, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं जीव विज्ञान शब्द, इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने कहा। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द को किसने बताया, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने बताया था। क्या इनको नाम रख देने से ये जीव विज्ञान के पिता हो गए, नहीं हो गए। सिर्फ नाम रखने से कोई किसी का पिता हो जाता है, नहीं होता है। आखिर इसका पिता किसी को होने के लिए या तो इनके अंदर यानी इसके अंदर किसी न किसी का बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत ज़्यादा किसी के इसके बारे में जानकारी दी होगी जीव विज्ञान के बारे में, उसी को हम पिताजी कहेंगे। जी हाँ, सबको पिताजी नहीं बोल सकते। तो आप याद रखेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द हैं, जीव विज्ञान ये जो आप शब्द देख रहे हैं, इस शब्द का उच्चारण, इस शब्द को सबसे पहली बार किसने बताया, तो कहेंगे, हम लोग कहेंगे लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने बताया। किसने बताया, लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने बताया। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बात कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा इधर, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि जीव विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। ज़रा ध्यान देना है इधर, कि जो आप देख रहे हैं शब्द जीव विज्ञान, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, तो इसके दो भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा का नाम हो गया हमारा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस तरफ, कि जीव विज्ञान के दो भाग हम कर लिए। पहला भाग वनस्पति विज्ञान, ये फर्स्ट भाग है। सेकेंड भाग का नाम हो गया जंतु विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है, बॉटनी। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जूलॉजी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जूलॉजी। आप देखिए यहाँ पर ZOO, जू, जू माने चिड़ियाघर, यानी कि जंतु वाला। अब चिड़ियाघर में मरा हुआ मुर्दा थोड़ी ना रहता है। चिड़ियाघर आप लोग के अगल बगल में, आप जहाँ से भी होंगे, पटना से होंगे, हाजीपुर से होंगे, कहीं भी से होंगे, आप चिड़ियाघर अगर देखने के लिए गए हो, तो क्या आप वहाँ मरे हुए मुर्दों को देखे, नहीं देख सकते। वहाँ पर मरा हुआ मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है, यानी कि जंतु, यानी जूलॉजी। यानी कि जूलॉजी के बारे में हम पढ़ना है इसमें, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है वनस्पति, यानी किसके बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और हम लोग जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का
अध्ययन करते हैं, यानी अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए कि वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कि जीव विज्ञान। ये जो आप देख रहे हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर कि जो आप देख रहे हैं जंतु विज्ञान, सॉरी वनस्पति विज्ञान जो देख रहे हैं, इसके पिताश्री कौन है? तो भैया याद रखिएगा, इसके जो पिता हैं, ये हमारे जो वनस्पति विज्ञान जो आप देख रहे हैं, इसके जो पिता है, जिसको आप जनक भी कह सकते हैं, फादर भी कहते हैं, तो इसके जो जनक है वह कौन है? तो उस महान व्यक्ति का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस नाम है उस महान व्यक्ति का नाम है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने पता है क्या किया? इनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के पिता। क्या कहते हैं इनको? वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। क्यों कहते हैं? ऐसे थोड़ी ना बोल देते होंगे। थियोफ्रेस्टस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने 500 नई प्रजाति के पेड़ के बारे में जानकारी दिया था। 500 लगभग, कितने लगभग? 500 नई प्रजाति के पेड़ के बारे में बताया था थियोफ्रेस्टस ने। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं, यानी कि बॉटनी के फादर कहा जाता है इनको। अच्छा, आगे इसमें बढ़े तो जीवों का अध्ययन यानी कि जो जूलॉजी है, आखिर जूलॉजी के बारे में किसने बताया? तो इसके फादर यानी कि इनके जनक जो पिताश्री हैं, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? तो जंतु विज्ञान के जो महान व्यक्ति, उन व्यक्ति का नाम है यानी कि अरस्तु। उनको क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं, अरस्तु साहब। ये महान व्यक्ति जो जंतु विज्ञान के पिता है, जिनका नाम क्या है? अरस्तु है। अरस्तु ने जीवन यानी जीवों के बारे में बताया, जीवों के बारे में बताया है कि नहीं है? और थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति जगत में लगभग नई प्रजाति के बारे में बताया था। अतः हम इसे थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं, और अरस्तु साहब ने जंतु के बारे में बताया। इनका बहुत बड़ा योगदान था जीवों के बारे में बताना, इनको हम जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए जीव विज्ञान के पिता फिर कौन हुए? जीव विज्ञान के पिता कौन हुए? वनस्पति के हो गए कौन? थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के हो गए कौन? तो भाई अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान के कौन हो गए? तो सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? अरस्तु साहब का रहा। अतः हम जीव विज्ञान के पिता किनको कहेंगे? तो अरस्तु को कहेंगे। किनको कहेंगे? तो अरस्तु को कहेंगे। जीव विज्ञान के पिता किनको कहेंगे? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये क्लास देखने में, समझने में, आपको अगर लगा कि मैं यहाँ से कुछ सीख पाया हूँ, तो आप अपने तक सीमित मत रखें, आप इन चीज़ों को दूसरे तक भी पहुँचाएं। आप मेरे इस चैनल पे जो आप देख रहे हैं राजा ऑनलाइन क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हो, इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर लें, इसको लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो है, इंस्टाग्राम वगैरह, हर जगह आप इनको लिंक को पहुंचाएं। और प्रतिदिन शाम 7:30 पर शाम के वक्त जो है, आप मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लास के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रतिदिन होती है ये क्लास 7:30 से शाम के वक्त, जिसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाती है महामैराथन के साथ। एमसीक्यू, हर क्वेश्चन का पीडीएफ आपके को प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 2024 के लिए आप तैयार रहें, चिंता नहीं करें। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नंबर 95% प्लस होने जा रहा है, 95% प्लस होने जा रहा है। तो आप चिंता ना करें और जो है तैयारी को ईमानदारी पूर्वक करें और अपना समाज में अपना नाम कमाएं। तो आज रहने देते इतना ही, फिर आपके साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।